Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. This is not just any vlog, this is my birthday vlog. I am going to be vlogging the entire day and take you guys through everything that's going to happen today. अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं और मैं बस अभी नहा धो के स्किन केयर वगैरह करके सब फ्री हुई हूँ. मैं नीचे जा रही हूँ, मम्मी पापा से मिलूंगी. मैं अभी सिर्फ पापा से मिली हूँ, मम्मी से नहीं मिली हूँ. मम्मी से मिलूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू सिट नीचे फॉर अ वाइल, डिसाइड कि लंच के लिए कहाँ जाना है, बिकॉज वी डू बर्थडे लंचेज एंड नॉट बर्थडे डिनर्स. बर्थडे डिनर का मैं प्लान कर रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, लेट्स सी वो कितना एग्जीक्यूट हो पाता है. बट यस, दैट इज इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो डाउनस्टेयर्स. 1 hour later. इट इज 11:15 राइट नाउ एंड हम लोग अभी घर से निकले हैं. हम जा रहे हैं हमारे जो पुराना वाला घर है उस मंदिर पे ढोकने के लिए. फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे हॉस्टल. हॉस्टल जाएंगे वहाँ से कि गोदावरी? पहले हॉस्टल ना, पहले हॉस्टल जाएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग गोदावरी जाके बालाजी के दर्शन करेंगे, क्योंकि आज एक तो बर्थडे, ऊपर से ट्यूसडे, तो दोनों चीज़ें हैं. तो वहाँ पर भी जाके दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद घर पे आएंगे. फिर देखते हैं कहाँ जाने का प्लान बनता है, अभी डिसाइड कर ही रहे हैं. एज सच कुछ डिसाइड हुआ नहीं है कि कहाँ का क्या प्लान बन रहा है. सो या 15 minutes later. माता जी के दर्शन करके नाउ आई हैव कम टू द हॉस्टल. यहाँ पे सागर को कुछ काम है तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ आए. फिर हम लोग गोदावरी जाएंगे. माता जी के वहाँ का जो था वो मैंने इसलिए कैप्चर नहीं किया बिकॉज ज़्यादा देर हम लोग रुके नहीं बेसिकली वहाँ पे. बस पूजा करी, पूजा तो क्या, दर्शन करे, धूप लगाए और फिर निकल गए वहाँ से. अब बस सागर थोड़ा फ्री हो जाए, उसके बाद में फिर हम लोग गोदावरी जाएंगे, फिर वहाँ से घर जाएंगे, फिर उसके बाद लंच करने जाएंगे, फिर वापस आएंगे. फिर शाम का भी कुछ प्लान कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो देखो अभी वो कितना एग्जीक्यूट हो पाता है. लेट है. हाँ, इसका रूफटॉप अच्छा है यार. हम लोग आए थे ना, हाँ टेस्ट भी अच्छा है. ये इसका रूफटॉप है और हम यहाँ पे बेसिकली आए हैं शाम की बुकिंग करने के लिए. बढ़िया बढ़िया सर. अपन भी यही है क्या शाम के लिए? कुछ सोच रहे थे, भाभी का बर्थडे है. कर लो यार भैया, थोड़ा सा कर लो. मैंने कर दिया, वही बोल रहा हूँ 50 रुपए का. दही के कबाब, दही के कबाब, दही के कबाब. एक बार में हम लोग वहाँ लगाओगे सब होएगा ना? मतलब क्वांटिटी भी ज्यादा जाएगी, कबाब भी अच्छा हो जाएगी. हाँ बच्चे भी खा लेंगे चिली पोटैटो. हाँ बच्चे खा लेंगे. हाँ बड़ों के लिए दही के कबाब कर लो और छोटों के लिए, बच्चों के लिए हनी चिली पोटैटो खाए, सब खा लेते हैं. और दाल नहीं, जैन भी करवाना पड़ेगा अपने को, मतलब वो एक छोटा सा पोर्शन क्योंकि है हमारे एक दो. लेट है. इट्स 1:15 राइट नाउ एंड आई एम ऑल रेडी टू गो फॉर माय बर्थडे लंच. ये मैंने पहना है, ये बहुत पुरानी चिकनकारी कुर्ती है. नए कपड़े मैंने सुबह ही पहन लिए थे. ऑल्सो ये चिकनकारी कुर्ती जो है मैंने यहाँ कोटा के लोकल मार्केट से ही ली थी. ये जो है ये मेरी दीदी का है, तो आई विल हैव टू एक्चुअली आस्क हर कि ये कहाँ से लिया था उन्होंने, अगर उनको याद होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी ओल्ड. तो अगर उनको याद होगा तो पता पड़ जाएगा. दीज इयररिंग्स आर फ्रॉम माई ब्रांड एंड लिपस्टिक फ्रॉम मैक, लाइनर फ्रॉम लैक्मे, काजल फ्रॉम द नेचुरल वॉश एंड दैट्स इट. अ वेरी मिनिमल, वेरी वेरी मिनिमल. आई हैव नॉट डन एनीथिंग ऑन माई बेस बिकॉज इट्स वेरी हॉट आउटसाइड एंड आई एम स्वेटिंग लाइक क्रेजी. सो या लेट्स गो. 15 minutes later. दिस इज वेयर वी हैव कम फॉर आवर बर्थडे लंच. ये क्या हुआ भाई, लिफ्ट नहीं चल रही क्या? नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सो वी गोइंग बाय स्टेयर केसेस. फर्स्ट फ्लोर ही है तो स्टेयर केसेस इज नॉट एन इशू एंड दिस इज द रेस्टोरेंट, द नेम ऑफ इट इज संतृप्त. तो
डोसा है यहाँ पे। हाँ One hour later. Little bit of shopping time. The shopping is done, but I couldn't record anything because battery low ho gayi thi, to phone charge pe laga hua tha. A few moments later. Finally, शाम को 6 बजे हम मंदिर आ गए हैं. Much later. Okay, so it's 8:30 at the moment and I am ready for my second party of the day, which is the party with my friends. घर के पास में ही एक रेस्टोरेंट रूफटॉप है, तो वहीं पे पार्टी रखी है. यू गाइज हैव ऑलरेडी सीन कि हम लोग बुकिंग करने गए थे दिन में. एंड दिस इज द बर्थडे ड्रेस दैट सागर हैड गिफ्टेड मी. आप लोगों ने अगर उस ब्लॉग में देखा होगा तो एक ग्लिम्स मिली थी आप लोगों को, आप लोगों ने देखा था. एंड दिस वन वॉज जस्ट विथ दिस, मतलब सिर्फ ड्रेस थी, इट डिडंट हैव द वाइट टी शर्ट. तो मैंने वाइट टी शर्ट अलग से ऑर्डर करी है. सो दिस ड्रेस इज फ्रॉम अमेजोन, वाइट टी शर्ट इज फ्रॉम मीशो, एंड दीज इयर रिंग्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल अ लिल एक्स्ट्रा. दे मेक हैंडमेड इयर रिंग्स एंड दीज शूज आर फ्रॉम अडिडास. दीज आर माई ब्रांड न्यू शूज, मैंने अभी तक इनको नहीं पहना है. मैंने इनको लास्ट ईयर अपने लास्ट ईयर के बर्थडे के लिए लिया था, बट पहनने का मौका ही नहीं मिला. सो दिस ईयर आई हैव वोन एवरीथिंग दैट आई हैड एक्चुअली बॉट फॉर माई सेल्फ लास्ट ईयर और मैं नहीं पहन पाई थी. राइट नाउ इट्स 8:30, आई एम ऑलरेडी रनिंग हाफ एन आवर लेट, सो लेट्स जस्ट गेट गोइंग. Today is the 15th of May and it is the next day obviously, and abhi subah ke 9 baj rahe hain. I was just about to go downstairs, so I thought ki yaar niche jaane se pehle is vlog ko end kar dun. It was such a beautiful day yesterday. I had so much fun, lunch with family, dinner with friends. It was really a day. It was something that I did not anticipate ki itna acha jayega, but yes it did, and it really did go really really nice. I'm really blessed with the kind of people I have around me, from friends, family, everybody. I sabke calls aaye, sabke wishes aaye, messages aaye, and really it was a fun day and I really really enjoyed a lot. And with that we come to the end of this vlog. If you guys enjoyed watching, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching. I would love to hear it from you guys. Share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram, the links to all my social media handles are going to be mentioned in the description box below. I will see you guys in my next video. Until then, bye.